जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ले जी डाउनटाउन में हूँ, मौजूद हूँ और अभी काम के सिलसिले में आया था, काम खत्म किया है और लग गई है भूख। अब रूटीन कुछ इस तरह की है कि रात का ही टाइम मिलता है कहीं कुछ जाने को, कहीं कुछ खाने को। तो अब मैंने सोचा कि दोबारा नासर मियां को कॉल करता हूँ। नासर का एक्सपीरियंस तो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और देखता हूँ आज वो क्या बताता है मुझे। और अभी मैं उसको आपसे बात करते करते कॉल मिला ली मैंने उसको, स्पीकर से कर लो। हाँ वालेकुम सलाम बाबू जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। यार मैं अभी निकल रहा हूँ डाउनटाउन से, किधर है मेरा भाई, भूख लग रही थी, मैंने कहा मैं इंसाइक्लोपीडिया से पूछता हूँ किधर जाएं आज। मैं सर जी किधर जाना है जी? थॉर्नक्लिफ में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उधर जाएंगे, कोई मसला? थॉर्नक्लिफ में नया रेस्टोरेंट किस चीज का भाई, कोई मशहूर चीज है वहाँ पे? सर जी नाम तो कोई देसी है, अपना हलाल है। हलाल है ना? अच्छा हाँ जी, तारीफ तो सुनी है लेकिन अभी तक मेरा चक्कर नहीं लगा वहाँ। भाईजान आप कितनी देर में पहुंचेंगे थॉर्न क्लिफ, ये बता दें बस। 10 से 12 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। मैं पूरे 15 मिनट में बीए पीटर से निकल रहा हूँ, पीटर और एडलेट से, पूरे 12 मिनट में 15 मिनट में आपके पास थॉर्न क्लिफ। कहाँ पे आऊँ, शॉपर ट्रक वाले मार्ट में आ जाऊँ? हाँ जी आप उधर पहुंचो, मैं उधर पार्किंग लॉट में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद जी, आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थॉर्नक्लिफ वहीं, मेरी रिहाइश भी वहीं पे है और अब मैं जाऊंगा नासर के पास और वो वहां पे भी पहुंच जाएगा और देखते हैं कि उसने आज क्या रिकमेंडेशन दी है। मेरे साथ रहिएगा जरा। जगह का नाम है ग्लिटोज और ये मैं पहुंच गया ग्लिटोज के पास। ए एन डब्ल्यू आया नगर, ए एन डब्ल्यू के बिल्कुल साथ है ग्लिटो और नासर की गाड़ी भी यहीं कहीं खड़ी है। ग्लिटो हमारी सज्जी साइड पे, हलाल फूड है, देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। लो जी नासर साहब आ गए इधर हमारे पास ग्लिटो मेरे को लेके। अच्छा भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम है जी, उन्हें सुना। तो कोई चीज, क्या चीज यहाँ पे मशहूर आपको पता है? यहाँ पे बस सुना है कि नया है, हलाल है और अच्छा अच्छा है ना। अभी जाके इनसे जरा फिर पता करते हैं, चॉइस होगी आपकी बेशक। ये तो इंशाल्लाह स्पाइसी बनवाना है। स्पाइसी बनवाना है? ओह नो, चलो देखते हैं अंदर जाके। पिछली दफा स्पाइसी के साथ बड़ा बुरा हाल हुआ था, देखते हैं अभी क्या बनता है। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। चले जी चले अंदर चलते हैं जरा। ये जी ग्लिटोज और ये है ए एन डब्ल्यू के साथ, हम मौजूद हैं इस वक्त थॉर्नक्लिफ के अंदर। रोज ही अच्छे होंगे वैसे तो। चलिए ऑर्डर करते हैं। चल मेरा भाई, थैंक यू। ये नया हलाल फूड है, यहाँ से आप सेल्फ सर्विस भी कर सकते हैं और सेल्फ सर्विस का भी सिस्टम मौजूद है। कोविड 19 की वजह से यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त चेयर्स वगैरह उठा दी हैं और इंटीरियर डेकोरेशन तो बहुत क्लास का है और जब यहाँ पे कोविड का सिलसिला ख़त्म होगा तो बैठ के बड़ा मज़ा आएगा नासिर साहब। ग्लिटोज
कहीं पे भी गलीटो में जाना हो, ये इनकी और दूसरी लोकेशन है, उनके एड्रेसेस हैं मिसिसागा, ब्राम्पटन, टोरंटो। थॉर्नक्लिफ में हम इस वक्त खड़े हैं, वाटरलू, हैमिल्टन, किचनर, मिल्टन एंड ब्राम्पटन। तो आप इनमें से किसी भी लोकेशन के करीब हैं तो वहाँ पे ग्लीटोस जाके टेस्ट कर सकते हैं। इनका खाना कैसा है, ये इनका मेन्यू है, एक नज़र इस पर भी मार सकते हैं। और इनके खाने के ऊपर तो फिर अभी हम इनको खाएंगे तो फिर हम इनको बताएंगे, यानी कि आपको बताएंगे कि कैसा है। यार ना सर, कुकड़ कितना प्यारा है सर जी, कुकड़ दौड़दा पे है, फड़ने उसको, मैं कह रहा रोस्ट ऐसा जैसे जूसी है। नाजरीन, डेफिनेटली जिस वक्त ये जगह खुलेगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है, इंटीरियर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिस वक्त कोविड ख़त्म होगा डेफिनेटली यहाँ बैठने का बड़ा ज़बरदस्त सीटिंग अरेंजमेंट होगा, और ये एक बहुत ज़बरदस्त फैमिली प्लेस की इसके अंदर से मुझे लुक ऑलरेडी नज़र आ रही है। बहुत ही प्यारी जगह बनी है, परफेक्ट प्लेस है। हाँ। और पार्किंग लॉट भी बड़ा है, कि पार्किंग भी बड़ा, सबसे बड़ा इशू कोई फैमिली आ सकती है, बहुत बड़ा सीटिंग अरेंजमेंट है, बिल्कुल सही है। और ये हमारा खाना तैयार हो रहा है, नक्शा भी है, लेकिन ये नहीं पता है कि पाकिस्तान यहाँ से कितना दूर है, लेकिन ये कनाडा और अमेरिका करीब करीब कहीं नजर आ रहा है, पाकिस्तान इधर ही कहीं। थैंक यू लीजिए जनाब, खाना हमारा तैयार हो गया है। ये है राइस, ये है गार्लिक स्टिक्स, ये है हमारा चिकन जिसको हम गाड़ी में बैठ के दोबारा खोलेंगे, और ये हमारी साइड्स आ गई हैं, चावल आ गए हैं, और ये अब रेडी हो रहा है। Thank you very much, guys. No, thank you. You can take that. That's on me. Don't worry. Are you sure? yeah, for sure. Thank you. Take care, guys. Make sure you subscribe to his channel. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Care. Have a good day. Thanks, guys. Thank you. Bye-bye. So, ji, ye the bande bade change ne janab. नहीं जी, हम वहाँ पे घर के बिल्कुल करीब थे तो सोचा ऊपर घर पे जाके वहीं पे खा लेते हैं, तो फिर अब घर की तरफ आ गए रोटी नाल लेके। ले जनाब, ये हमारा है चिकन, स्पाइसी चिकन तिरक। स्पाइसी यार, लाइट नहीं ठीक आ रही, मैं जरा एक सेकंड इसको ये लें जी। ये हमारा स्पाइसी चिकन है, और स्पाइसी लीजिए जनाब, हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में, आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते पेट भरना शुरू हो गया है, और अभी आधा रास्ता बाकी है, साथ नहीं छोड़ना नासिर साहब, साथ नहीं छोड़ना, चिली भी है, मजा आ गया चिली के साथ, है ना। चलें बस अभी मैं जरा देखता हूँ, अगला टच आपको तब दूंगा जब हम एंड पे पहुंचेंगे। अब जी तो जनाब, ए लो प्लेटा हो गई है खाली, और इंसाफ हो नासिर साहब, जरा ईमानदारी से इसके बारे में वो बताएं, क्या कमेंट है इसके बारे में। सर जी, जूसी है, स्पाइसी है, और ग्रिल कुक तो ये थी, तो मैं कहता हूँ अंत आखिर थी, खाने में ऐसा मजा है कि एक होता है ना कि ड्राइनेस होती है चिकन के अंदर, तो वो पूछते हैं आपसे कि भाई आपको कैसा चाहिए, मैंने उसे कहा कि भाई सर जी जूसी चाहिए, उसने बाकी जो बनाया ना कि बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आया, और बिल्कुल मजा ऐसा आया कि मैं कहता हूँ कि छोड़ दो कर। मेरे ख्याल में भी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जूसी था और हलाल था, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, और डेफिनेटली रिकमेंडेड था। टोरंटो के अलावा और भी, मैंने जिस तरह के भी वीडियो में दिखाया, टोरंटो के अलावा और भी इनकी काफ़ी इलाके में ब्रांचें मौजूद हैं, आप किसी भी इलाके में जा सकते हैं, वो एड्रेस भी वहाँ पे मौजूद है। आज के व्लॉग यहीं पे, अपना दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल, उपाय तुसी की कहना जी, मैं कहना है लाइक शेयर
टू एवरीबॉडी एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन नीचे आएगा, नीचे क्लिक करें, मेहरबानी। हाथ में दर्द नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, होगा तो मिलने की खैर है, मिलने वाली है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।